एसवाईएल मुद्दे के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब का पानी है और हरियाणा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तब भी पत्रकारों ने तोड़ मोड़ के इस बात को पेश किया था और आज भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा हमने। आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके साथ। नेक्स्ट कोई नेक्स्ट क्या कुछ सर, धन्यवाद। कितनी सीटों से सरकार बना रहे हो पंजाब में? वो पंजाब वाले बताएंगे, मेरी जिम्मेदारी हरियाणा में है। जी तो आप बता रहे हो, सारे अखबार टेलीविजन ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे आ रही है और मुझे तो पूरा विश्वास है दिल्ली जैसा बहुमत आएगा। बिना गरीबी और अमीरी के आधार पे कानून बनाया, दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आए, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, इलाज के पैसे दिल्ली सरकार देती है, उसकी जान बचाने का पूरा प्रयत्न करती है। हमने फरिश्ते स्कीम चलाई, उस स्कीम के तहत जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको एक फरिश्ते का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपने किसी की जान बचाई, और 2000 रुपए उसको पुरस्कार दिया जाएगा ताकि बाकी लोगों के अंदर भी ये भावना पैदा हो। हमने दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल ऐसे बनाए, एयर कंडीशन, 24 घंटे दवाई, प्रशिक्षित डॉक्टर, आधुनिक मशीनें। आज हरियाणा के अंदर अगर कोई गंभीर बीमार हो जाए तो जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति ठीक नहीं है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल 2-4 गुड़गावा या एक आधे बड़े शहर के अंदर बने हैं वो मकान बेचने के बाद भी पूरा इलाज आदमी नहीं करा पाता, इतने महंगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बीमार होते तो उन हॉस्पिटलों में दाखिल हो जाते हैं, हरियाणा की जनता का क्या होगा, इसके लिए बेपरवाह रहते हैं। मैं कहता हूं ऐसी सरकार को बदलना होगा, दिल्ली मॉडल को यहां पे लाना होगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है, हम पंचायत राज के चुनाव, हम नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम के चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, परिवर्तन लाएंगे और यहाँ पे विकास की राजनीति होगी, जाति और धर्म की राजनीति का अंत करेंगे ताकि हरियाणा विकसित हो, हरियाणा शिक्षित हो, हरियाणा स्वस्थ रहे, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिले, हरियाणा के अंदर महिलाओं का सम्मान हो, हरियाणा में किसान का सम्मान हो, हरियाणा में जवान का सम्मान हो और हरियाणा एक बेहतरीन हरियाणा बन के देश के अंदर एक मॉडल पैदा कर सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।